फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और काफी कम मसालों से बनने वाली पेशावरी मटन कढ़ाई। और ये जो मटन कढ़ाई है ना, इसे बिल्कुल आप मेरे स्टाइल में बनाएं, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली मटन कढ़ाई का टेस्ट आएगा इसमें। इसे आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बिल्कुल मेरे स्टाइल में बनाएं। मैं आपको जिस तरह से बताऊंगी ना, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करें, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, मैंने ऑयल में ऐड कर लिया है मटन, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को मैंने अभी स्लो किया हुआ है, और जितने भी मैं इसमें मसाले यूज करूंगी ना, उसकी क्वांटिटी तो रेटिंग में मैं अपने वीडियो में आपको दे दूंगी। और अब इसे जो है ना कवर कर देंगे और करीब 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी मैं ऐड नहीं कर रही, जो मटन है ना उसी का पानी इसमें रिलीज होगा, उसमें ये अच्छी तरह से पक जाएगी। जब ये 15 मिनट के लिए पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मटन को पकते हुए हो गए पूरे 15 मिनट। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। और मटन में जो है ना, मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, जो मटन का पानी है ना उसी में ही कुक हुआ है। तो ये देखिए, ये ड्राई हो गया है और इसका जो ऑयल है वो रिलीज होने लगा है। तो अब हमें जो है ना मटन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, करीब 4 से 5 मिनट के लिए। जितना ज़्यादा आप मटन कढ़ाई को भून के पकाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो करीब 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ पहले। तो ये देखिए, मटन को मैंने करीब 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं और उसे जो है ना मैंने बीच में से काट लिया है, इस तरह से इसे ऐड कर देंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी, और इसे कवर करके एक बार और 15 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, स्लो फ्लेम पे ही इसे हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे जो ये टमाटर है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही में जो, तो ये देखिए, मटन को हम खोल के देख लेते हैं, और इसमें जो हमने टमाटर ऐड किए थे उसे पकते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेंगे, ये देखिए टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए। और जो इसके ऊपर ये इसकी स्किन है ना, इसे हम निकाल देंगे। मटन को पकने में करीब लगते हैं 50 मिनट तक। 50 मिनट तक आप मटन को पकाएंगे, जब भी मटन जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा इसमें। तो ये देखिए, टमाटर की जो स्किन है ना, मैंने उसे निकाल दिया है, और टमाटर को अब हम मैश कर लेंगे इस तरह से। और अभी मटन जो है ना गला नहीं है, तो अभी हमने सिर्फ इसे 30 मिनट के लिए ही कुक किया है। और अब इसमें ऐड कर लेंगे हम नमक। नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। ये जो मैंने हरी मिर्च ली है ये स्पाइसी है, मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ही ले लें। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें एक बार और। और अब मटन को हमें इतना पकाना है कि जो ये मटन है ना ये अच्छी तरह से गल जाए। तो इसे हम कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे हम कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, मटन कढ़ाई को मैंने 20 मिनट के लिए और पका लिया है, और मैंने इसे 2 बार बीच में खोल के चलाया था। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, जो टमाटर का पानी था और जो मैंने पहले पानी ऐड किया था उसी में ये कुक हुआ है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मटन को चेक कर लें, गला के नहीं गला। ये देखिए, मटन जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने फ्रेश ही कूट के रखा है। इसमें जितने भी मसाले ऐड करें उसे फ्रेश ही ऐड करें, उससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है जो स्पाइसी नहीं होती, और ये जूलियन जिंजर और हरा धनिया, इन सबको भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप ये देखिए, ये जो कढ़ाई है ना इसमें जो ऑयल है वो रिलीज होने लगा है। तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे, जिससे ये जो मसाले हमने ऐड किए ना ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सिर्फ 5 मिनट ही हमें इसे कुक करना है कवर करके। तो ये देखिए, मटन कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए और पका लिया है, और आप देखिए ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। बस इसी तरह से ये भुनी भुनी रहती है, और इसमें से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तो आप लोग ये पेशावरी मटन कढ़ाई एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखते रहे मेरे चैनल को इसी तरह की आसान सी और टेस्टी रेसिपीज के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में मेरे वीडियोस को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंजॉय करें मज़ेदार सी पेशावरी कढ़ाई। विश शिबास किचन, थैंक यू।